बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हैं वो इदारे जो आपको मुफ्त में राशन फराहम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कोई नहीं बताता। आज हम आपको बताएंगे कि आप JDC और अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से घर बैठे किस तरह मुफ्त में पूरे घर का पूरे महीने के लिए मुफ्त राशन हासिल कर सकते हैं। सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपके सामने कुछ वीडियोज क्लिप भी शेयर किए जा रहे हैं। ये JDC फाउंडेशन की जानिब से कराची से लेकर कश्मीर तक बहुत बड़े बड़े शहरों में रोजाना की बुनियाद पर सैर अवतार का इंतजाम किया जा रहा है। डेली बेसिस पे हजारों नहीं बल्कि लाखों फैमिली बहुत आला खानों के साथ सैरी अवतार करवाई जाती है और उन्हीं इदारों की जानिब से अब आम लोगों के घर बैठे राशन भी फरम किया जाता है। और ईद के दिनों में ईद गिफ्ट, मतलब जिसमें आपके लिए कपड़े भी शामिल होते हैं और भी काफी सारी चीजें जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल रही होती हैं। देखें, ऐसे तमाम लोग जिनको हुकूमत की जानिब से कोई अमदाद नहीं मिलती या जो अमदाद मिलती है उन पर वो गुजारा नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी अमदाद मिलती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन ये होता है कि वो इस तरह के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से राबता करें और उन फाउंडेशन से खुद के लिए मुफ्त राशन हासिल करें। और ये राशन किस तरह हासिल करना है यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप गौर करते हैं तो आप भी इंशाल्लाह घर बैठे अपने घर के तमाम अफराद के लिए पूरे महीने का मुफ्त राशन मंगवा सकते हैं और आप अपने शहर में मौजूद उनकी सैरो अफतार पार्टियों में भी शामिल हो सकते हैं। देखें, इस तरह के इदारे जो हैं गरीब और हकदार लोगों तक अमदाद पहुंचा रहे होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे हरगिज नहीं करना चाहिए और जो लोग हकदार हैं, जो लोग खुद को मुस्तहक समझते हैं, उन्हें इन फाउंडेशन से अमदाद भी लेनी चाहिए और जो लोग साहिब इख्तियार हैं उन्हें इन फाउंडेशन को अपने अतियात भी जमा करवाने चाहिए। अच्छा, तो आप मुकम्मल तरीकाकार की जानिब और इसकी तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल की वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ अमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। व्यूअर्स, इस वक्त तक की हुकूमत की जानिब से तो कहीं कोई सैर अफतार पार्टी जारी नहीं है, मतलब मुख्तलिफ शहरों में आवाम को यह सहूलत फराहम नहीं की जा रही। यकीनन काफी सारे लोगों को इतनी मुश्किल का सामना होता है कि वो अपने शहरों और इफ्तार के लिए भी काफी सारी मुश्किल उठा रहे होते हैं, तो ये जो फाउंडेशन है ये आपकी तमाम तरह मुश्किल को दूर करने में हर वक्त मगन रहते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि जो लोग हकदार हैं, जो लोग मुश्तक हैं, उन्हें फौरी तौर पर अमदाद फरम की जाए, जो कुछ वो लेना चाहते हैं उन्हें सहूलत से मुस्तफीद किया जाए। तो ये सब कुछ आप घर बैठे अप्लाई करके भी हासिल कर सकते हैं और आपके लिए मुख्तलिफ शहरों में उनके ऑफिस भी मौजूद हैं, वहीं पर जाकर भी आप अपने हालात बता सकते हैं और अपने तमाम तस्दीक देने के बाद आप हर वो जरूरत की शय हासिल कर सकते हैं तो आपकी तरफ जो आपकी अमदाद कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ राशन दिया जाता है उनमें से अलग क्वालिटी का राशन शामिल होता है और जिन लोगों को मुफ्त में कपड़े फराहम किए जाते हैं वो भी अलग क्वालिटी के होते हैं। मतलब ये नहीं कि जो चीजें आपको मुफ्त में मिल रही होती हैं ये दो नंबर होंगी, घटिया होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि आपको आला से आला मियार की चीजें फराहम की जाएं। अच्छा, यहाँ वीडियो क्लिप्स में भी आपको दिखाया गया है कि वीडियो में आप मुलाहजा कर सकते हैं JDC फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में शहर अवतार पार्टियों करवाई जा रही हैं, वो भी बहुत आला और शाही खानों के साथ आप भी शहर अवतार पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शहर में मौजूद JDC ऑफिस से राबता करना होगा, वो आपको लोकेशन बता देंगे, क्योंकि हम तो आपको हर शहर की लोकेशन नहीं बता सकते, बस यही हम कह सकते हैं कि उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी जो कॉल्स के फोन नंबर है वो हम आपको फराहम कर सकते हैं, जो आगे चलकर तफसील के साथ आपको बताने जा रहे हैं। उन पर रब्ता करने के बाद आप खुद को शामिल करवा सकते हैं मुफ्त राशन हासिल करने के लिए और इस तरह की शहर अफतार पार्टियों में भी शामिल हो सकते हैं। मजीद आप उनकी फेसबुक पेजेस यानी कि अलखिदमत फाउंडेशन का फेसबुक पेज भी है और साथ में JDC फाउंडेशन का फेसबुक पेज भी है, वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, उनकी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले, ऐसे तमाम लोग जो हुकूमत की तरफ से अमदाद नहीं ले पा रहे या हुकूमत की तरफ से उन्हें थोड़ी अमदाद मिलती है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें और अमदाद हासिल करें। तो आपको मुकम्मल तरीकाकार बताने जा रहे हैं, आपको गौर करना होगा कि किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह ये मुफ्त में राशन मंगवाना है। तो इससे पहले आपको कुछ हिदायत भी बताते चले कि जब भी आप राशन मंगवा रहे होते हैं तो आपसे आपके बारे में कुछ तफसीलात भी ली जाती हैं, या आपके घर के कितने अफराद हैं, उनमें से जितने अफराद मुलाजमत इख्तियार कर चुके हैं और कितने अफराद हैं जो बेरोजगार हैं, इस बारे में काफी सारी मालूमात आपसे हासिल की जा सकती है, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि बस जो कॉल करेगा या जो अप्लाई करेगा इसको मुफ्त राशन भेज दिया जाएगा किसी भी NGO की जानिब से। जो गरीब आवाम की अमदाद की जा रही है तो इसके लिए काफी कंफर्मेशन भी की जाती है। बहरहाल प्रॉपर वाइज से जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको भी उनकी जानिब से बहुत बड़ी अमदाद मिल सकती है। ये नहीं कि ये मैं नहीं बता रहा, बस जो कॉल करेगा उसको राशन मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है। जो हकदार होंगे उन लोगों को ये जरूर अमदाद भेजी जाएगी और राशन भी भेजेंगे, तो थोड़ा राशन नहीं बल्कि पूरे घर का तमाम अफराद का पूरे महीने का राशन भेजेंगे। अच्छा, काफी सारे लोगों को ये गिला भी है कि ये राशन भेजेंगे कैसे, उन्हें हमारे घर का कौन बताएगा। तो जो तरीकाकार हम आपको अप्लाई करने का बता रहे हैं और इसके जरिए वो आपसे आपके घर का एड्रेस भी ले रहे हैं, जब आप सही एड्रेस देंगे तो आपके एड्रेस तक मुफ्त में राशन पहुंचा देंगे। अच्छा देखें, आप अब JDC फाउंडेशन और अलखिदमत फाउंडेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही इनकी कोई तारीफें सुनाने आया हूं, बस ये खिदमत खल्क है, आवाम को सहूलियत दे रही हैं, तो उनकी मालूमात आपको बताई जा रही है। जो लोग हकदार हैं वो उनसे अमदाद लाजमी हासिल करें, क्योंकि उन फाउंडेशन का काम यही है। बहरहाल मजीद आपका वक्त जाया नहीं करते, आप अभी से थोड़ा सा गौर करें, हम आपको मुकम्मल तरीकाकार बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको खिदमत फाउंडेशन से राशन मंगवाने का तरीकाकार बताने जा रहे हैं। ये मुल्क भर के लिए मुफ्त में
राशन फरम करते हैं और आप तमाम लोगों तक ईद के कपड़े भी पहुंचाते हैं, रिजर्व करते हैं जो लोग। तो इसकी अप्लाई के लिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है मतलब वेबसाइट की तरह जिसके जरिए आप अप्लाई कर सकें या अपना डाटा भेज सकें। उन दोनों फाउंडेशन की जानिब से एक ही तरीकाकार है, वो तरीकाकार है कॉल के जरिए आप घर बैठे अपना राशन मंगवा सकते हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। हर सुबह के हिसाब से अलग अलग मोबाइल नंबर आपको बताए जाएंगे, तो आपने नोट कर लेने हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन का जो सुबह पंजाब के लिए हेल्पलाइन नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये पूरी लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फराहम कर दी जाएगी। और आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा से इस वीडियो को सुन सकते हैं। उन दो बड़ी फाउंडेशन के कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताए जा रहे हैं, उन पर कॉल करके आप अपने बारे में, अपने हालात के बारे में तमाम तर मालूमात उनको फराहम कर देंगे और मुफ्त में राशन तलब करेंगे। हमें मुफ्त राशन की जरूरत है। फिर वो देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपके घर के हालात क्या हैं, आपके घर के अफराद कितने हैं। सब कुछ पूछने के बाद अगर उनके मुताबिक आप हकदार हुए तो आप फिर इंशाल्लाह आपके घर के जितने भी अफराद हैं उनके लिए पूरे महीने का मुफ्त राशन आपके घर के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। अच्छा, काफी सारे लोग उन फाउंडेशन के बारे में यकीन गलत ख्याल भी कर रहे होंगे, लेकिन आप तमाम लोगों के सामने कुछ वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर किए गए हैं वीडियो के शुरू में, कि वो लोग रोजाना की बुनियाद पर किस तरह लोगों को खुलेआम रोडों पर सैर इफ्तार करवा रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में उनकी खास जगह भी हैं जहां पर वो पूरी आवाम को सैर इफ्तार करवा रहे होते हैं। बाकी वीडियो में लगी हुई तस्वीरात से भी आप मुतासर हो सकते हैं और फाउंडेशन की जानिब से आवाम को कितनी खिदमात की जा रही हैं। बाकी जो लोग तनकीद करते हैं उनमें से तकरीबन वो लोग शामिल होते हैं जो हकदार नहीं होते, असल में वो डिजर्व भी नहीं करते, तो उनको कोई अमदाद नहीं मिल पाती, उनको कोई राशन नहीं मिल पाता, जिसके बहस वो फाउंडेशन को अपनी तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। बाकी देखें, ये फाउंडेशन मेरी अपनी नहीं है और ना ही मैं इनकी कोई तारीफें कर रहा हूँ। जो कुछ हक है, सच पर मबनी है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मजीद आप दोनों फाउंडेशन के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं और उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। उनके बारे में आपके जितने भी शक और शुबात हैं वहां पर क्लियर हो जाएंगे। जेडी फाउंडेशन आवाम की खिदमत किस तरह कर रही है या नहीं कर रही, वहां पर आपको उनके मजीद कॉन्टेक्ट भी मिल जाएंगे, आप उनसे इस तरह रवाबत कायम कर सकते हैं। और ये भी आपको बताते चले कि खिदमत फाउंडेशन की तकरीबन तमाम शहरों में ऑफिस मौजूद है, आप उनके ऑफिस भी जाकर खुद के लिए मुफ्त राशन तलब कर सकते हैं। और मैं पूरी उम्मीद से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको खाली हाथ से नहीं मोड़ेंगे अगर आप हकदार हुए। तो इसके साथ साथ जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से भी कराची से लेकर कश्मीर तक बड़े बड़े शहरों में ऑफिस भी बनाए गए हैं और लोगों की खिदमत की जा रही है। व्यूअर्स, हम यही कुछ कर सकते हैं कि हम आपको तरीकाकार बता सकते हैं, आपको मालूमात दे सकते हैं, बाकी आगे सब कुछ आपने खुद करना होता है। तो अगर आज की मालूमात आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना कोई सवाल है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियोस में हम आपको इस तरह के मुख्तलिफ आठ इदारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको मुफ्त में राशन फराहम कर रहे हैं। अगर आप उनकी मालूमात लेना चाहते हैं तो अभी से कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि जब तमाम इदारों की मालूमात आपके पास होगी, आप अप्लाई भी करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको मुफ्त राशन जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।